ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन टाइप फोर हम लोगों को एफ एक्स का ग्राफ अगर गिवन हो तो ड्रॉ करना है, जैसे वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। तो स्टेप्स क्या होगा, ओनली ड्रॉ द ग्राफ विच इज एवव एक्स एक्सिस और ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट द ब्रांचेस ऑफ द ग्राफ विच इज एवव एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर हमें वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है तो हम करेंगे क्या कि जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस पर होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी को डिलीट कर देंगे, एंड देन जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस पर बच जाएगा उसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें ग्राफ ड्रॉ करना है मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का, तो हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हैं इसलिए हम बहुत एग्जैक्टनेस के साथ नहीं जा रहे हैं उस पर कि कहां पर क्या वैल्यूज आएगा, क्योंकि ये पता है आप लोगों को कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर जीरो होगा और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एन ये प्लस वन और माइनस वन देगा। तो ये ग्राफ हमारा जो हुआ, ये पूरा ग्राफ, ये ग्राफ है वाई इक्वल टू साइन एक्स का। हमको चाहिए मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो हम लोगों ने कहा था स्टेप वन में क्या करना है, जो भी ग्राफ का पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है उसको इरेज कर देना है, इन पार्ट्स को इरेज कर देना है, और जो ग्राफ का पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस पर है उसका जस्ट रिफ्लेक्शन ले लेना है, लाइक दिस। इसको मिरर मानना है, एक्स एक्सिस बिहेव्स लाइक मिरर, और जस्ट उसका रिफ्लेक्शन ले लेना है। ये जो रिफ्लेक्शन ले लेंगे यही ग्राफ हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों पार्ट ग्राफ का, ये दोनों पार्ट ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी जो रिफ्लेक्शन के बाद मिलेगा, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी जो रिफ्लेक्शन के बाद मिलेगा, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी जो रिफ्लेक्शन के बाद मिलेगा, और यही ग्राफ हो जाएगा मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स का। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम ग्राफ लें से फॉर एग्जाम्पल हमें ग्राफ चाहिए मॉड वाई इक्वल टू ई एक्स का, तो पहला स्टेप क्या होगा, आप ई एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो ये हो गया वाई इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ। ठीक है, और करना क्या है, सीधे
चूंकि इसके इसका सारा का सारा पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, कोई भी पार्ट जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, तो हम यहाँ पर ग्राफ के किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं करेंगे। इसको सीधे हम मानेंगे मिरर और इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे इसमें। तो ये जो दोनों ग्राफ्स बनेगा, दोनों पार्ट ग्राफ का, दोनों पार्ट, ये अपर वाला भी और लोअर वाला भी, ये दोनों मिला करके होगा ग्राफ ऑफ दिस मॉड y इक्वल टू ई एक्स का। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हमको ग्राफ चाहिए मॉड y इक्वल टू एल एन एक्स का, तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एल एन एक्स का। तो ये एल एन एक्स का ग्राफ होगा, 1,0 से पास करेगा। इसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो भी पार्ट, ये ग्राफ किसका हुआ, ये ग्राफ हुआ एल एन एक्स का, हमको मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पार्ट है उसको रिमूव करेंगे और सिंपली जो एक्स एक्सिस के ऊपर और उसके एक्स एक्सिस पर जो है उसको एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए इसी का इसमें इमेज ले लेंगे। सो ये जो दोनों पार्ट होगा ग्राफ का, ये पार्ट और ये पार्ट, यही पार्ट होगा और यही ग्राफ बनेगा मॉड वाई इक्वल टू एल एन एक्स का। क्लियर है? नेक्स्ट जो है टाइप फाइव, टाइप फाइव में अगर हम a को ग्रेटर देन जीरो ले लें, हमको कहे एफ एक्स प्लस a का ग्राफ बनाइए या एफ एक्स माइनस a का ग्राफ बनाइए। एफ एक्स का ग्राफ अगर गिवन है तो क्या होगा, टू ड्रॉ एफ एक्स प्लस a शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए यूनिट अपवर्ड अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग ए यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है? और अगर हमें कहे टू ड्रॉ एफ एक्स माइनस ए शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए यूनिट डाउनवर्ड अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और हमको ग्राफ बनाना है, एफ एक्स का ग्राफ गिवन है, तो एफ एक्स प्लस ये ए या एफ एक्स माइनस ए, तो एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाएंगे तो हम एफ एक्स के ग्राफ को ए यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, और अगर एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाएंगे तो ए यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे हमें हमको ये जो ग्राफ हुआ, अगर एफ एक्स माने मॉड एक्स, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ है, हमसे कहे कि मॉड एक्स माइनस थ्री का ग्राफ बनाइए, तो हम क्या करेंगे, जो ये जो वट इसका जो ये पॉइंट आ रहा है जीरो पर, ये चला जाएगा 0,-3 पर, ठीक है, और ये ऐसा गुजरेगा। ये है आपका y इक्वल टू दिस। क्लियर है? तो अब ये जो पॉइंट होगा
ये 3,0 होगा, बट अब ये से इस पॉइंट पर y 0 हो रहा है तो x का दो वैल्यू आएगा, एक -3,0 एक 3,0, और जब x 0 होगा तो ये -0, -3। तो दिख रहा है ये 3 यूनिट जो है, ये जो और ये ग्राफ है ये शिफ्ट कर जा रहा है 3 यूनिट डाउनवर्ड। वही अगर ये प्लस कहता कि भाई आप मॉड एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाइए, तब क्या होता, ये जो ग्राफ था ये 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करता और ये पॉइंट होता 0,3 और ग्राफ बनता ऐसा। क्लियर है? सिमिलरली अगर कहता है कि साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाइए या साइन एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाइए, तो हम देखें साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। ऐसा ये है साइन एक्स का ग्राफ, से कुछ ऐसा कर लें। ये -1 रहेगा और ये 1, इसी के बीच रहेगा। अगर हमको साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना है तो जो चीज ये 1 है, ये 2, ये 3, तो ये जो पूरा ग्राफ है दिख रहा है, ये पूरा ग्राफ जो है वो शिफ्ट करेगा 2 यूनिट ऊपर की तरफ, तो 2 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। देखो ये 2 है, y इक्वल टू 2, तो ये जो पॉइंट है हम आपको दिखा दें, जहां अभी ये 0 था ये शिफ्ट करके जाएगा 2 यूनिट 2 पर, जहां ये अभी 1 था ये जाएगा 3 पर, जहां ये 0 था ये फिर जाएगा 2 यूनिट शिफ्ट करके 2 पर, जहां ये -1 है ये आएगा 1 पर। क्लियर है? तो 0 से, और जहां ये फिर -1 है ये आएगा 1 पर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। Like this, ये वाला फिर देख रहे हैं, ये जहां 0 है ये 2 पर, ये 1 है 3 पर, ये 3 है, ये 2 है, और फिर जहां ये 0 है फिर से 2 पर, तो ग्राफ फिर ये जहां पर 0 था ये 2 पर, जहां ये 1 है ये 3 पर, जहां ये फिर 0 है ये 2 पर, तो ये ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लस 2। अगर हमें साइन एक्स माइनस 3 का ग्राफ बनाना है तो देखिएगा ध्यान से, ये हो गया -2, ये हुआ -3। ये -2 और ये हो गया आपको -3 का लाइन। अब देखिए -2 पे अब हमको साइन एक्स -3, तो यहां जहां 0 है और -4, यहां -2 कर तो ज्यादा आसानी होगा बनाने में, फिर उसके लिए
डाटास का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, इतना ही में ग्राफ दिख जाएगा। मान लो माइनस टू पर शिफ्ट करना, साइन एक्स माइनस टू पर जाना, तो जहाँ जीरो था वहाँ ये माइनस टू देगा, जहाँ ये वन है वहाँ क्या दे देगा माइनस वन, जहाँ ये जीरो है माइनस टू, जहाँ ये माइनस वन है माइनस थ्री, जहाँ पर ये जीरो है माइनस टू, सिमिलरली यहाँ क्या था माइनस वन तो माइनस थ्री, यहाँ जीरो था तो माइनस टू, यहाँ जीरो यहाँ वन है तो ये माइनस वन। सो ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसा ऐसा ही बनता चल जाएगा। तो ये दो यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, क्लियर है। तो अगर एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बनाना है तो ए यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करेगा, और अगर एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाना है तो ए यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा पैरेलल टू अलोंग वाई एक्सिस, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज टाइप सिक्स। ये क्या कहता है कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए एफ ऑफ एक्स माइनस ए के ग्राफ में क्या होगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन जीरो लिया है तो अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ बना रहे हैं इसका, तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए यूनिट लेफ्टवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर। और अगर एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बना रहे हैं तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए यूनिट राइटवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर है। जैसे अगर हमें मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाना है तो हम मॉड एक्स का ग्राफ जानते हैं, ये है मॉड एक्स का ग्राफ, हमको बनाना ग्राफ किसका है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का। यहां ए क्या है, ए पॉजिटिव लिए थे यानी कि हमको इस ग्राफ को बनाना है, तो इस ग्राफ के लिए क्या करना होगा हमको ए यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट करना है, तो ये हो गया वन ये हो गया दो, ठीक है। तो इसको हम दो यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर दिए लाइक दिस, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। तो ये पॉइंट तो तुमको मिल गया टू कॉमा जीरो, इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो ये वाई है जहां पर एक्स जीरो हो जाए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो कॉमा टू, क्लियर। सिमिलरली हमसे कहे कि भाई मॉड ऑफ एक्स प्लस फाइव का ग्राफ बनाइए, क्लियर है। तो अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस फाइव का ग्राफ बनाना है तो हम पहले मॉड एक्स के ग्राफ पे आते हैं, ये हुआ मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। हमको ये ग्राफ बनाना है तो ये कौन सा टाइप का है एफ ऑफ एक्स प्लस ए वेयर ए ग्रेटर देन जीरो, तभी क्या करेंगे शिफ्टिंग किधर होगा लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड कितना ए यूनिट, तो ए यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ए कितना है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, सो माइनस फाइव यूनिट ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा ग्राफ कुछ ऐसा, क्लियर है।
और ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट तो मिल गया माइनस फाइव कॉमा जीरो, ये पॉइंट कौन सा होगा जीरो कॉमा फाइव, क्योंकि दिस इक्वल टू वाई, एक्स जीरो होगा तो वाई फाइव देगा, क्लियर है। अगर कहे इसी में इसी टाइप में देखा जाए, और आप ग्राफ बनाइए साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर, तो साइन एक्स का ग्राफ तो हम लोग जानते हैं, क्लियर है। तो जो वैल्यूज अब हमको, जैसे वन जब हमको मिल रहा था वो इस पॉइंट पे मिल रहा था हम देख रहे हैं, जीरो जहां मिल रहा था देख रहे हैं, माइनस वन जहां मिल रहा था ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। अब हमको क्या कहा कि साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर का ग्राफ बनाइए, तो इसका मतलब हमको ये शिफ्ट करने कैसा कह रहा है, ये कह रहा है कि अब आप पूरे ग्राफ को शिफ्ट कर दीजिए लेफ्टवर्ड या राइट वर्ड, ये डिसाइड करना है। तो देखो देखिए क्या है, अगर एफ एक्स ये है साइन एक्स, तो हमको किसका ग्राफ कह रहा है एफ एक्स माइनस ए का, ए क्या है ग्रेटर देन जीरो, और ए कितना है, ए है यहाँ पाई बाई फोर, दिख रहा है। तो ए अगर पाई बाई फोर है तो हमको ग्राफ को क्या करना होगा, हमको पाई बाई फोर यूनिट इसको राइट शिफ्ट करना होगा राइट वर्ड, क्लियर है ना, फाइव बाई फोर यूनिट। तो यहां जहां जीरो था वो अब हमको कहां पे मिलेगा, वो हमको मिलेगा पाई बाई फोर पर, जहां हमको वन मिल रहा था वो कब मिलेगा कहां पे मिलेगा, वो हमको मिलेगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर पर, जहां हमको फिर जीरो मिल रहा था वो क्या था पाई था, अब जीरो कहां मिलेगा पाई प्लस पाई बाई फोर पर। सो शिफ्टिंग इज लाइक दिस, क्लियर है। तो ऐसे ग्राफ शिफ्ट करेगा, समझ में आया, जो अब हमको जीरो पहले जीरो पे मिल रहा था मिलेगा पाई बाई फोर पर, जहां वन पहले पाई बाई टू पर मिल रहा था मिलेगा कहां पर वन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर पर, ये हमको पाई पे मिल रहा था तो ये कहां मिलेगा फिर से जीरो पाई प्लस पाई बाई फोर पर, ये माइनस वन जो हमको थ्री पाई बाई फोर पर मिल रहा था अब कहां मिलेगा पाई बाई टू पाई बाई फोर प्लस थ्री पाई बाई टू पर, क्लियर है। सो ये पॉइंट्स इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा और यही ग्राफ पूरा का पूरा शिफ्ट करेगा पाई बाई फोर यूनिट, क्लियर। अगर हमसे कहे कि भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस थ्री टाइम एक्स प्लस टू प्लस टू, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो देखो बड़ा सिंपल है, तुम ग्राफ ड्रॉ करो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का, ये अगर एफ एक्स हुआ तो ये जो फंक्शन हमको दिया है ये क्या है, देखो तो एफ एक्स प्लस टू है, एफ एक्स प्लस टू है, ठीक है, तो यानी एफ एक्स प्लस ए है वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, क्लियर। तो शिफ्ट कहाँ होगा लेफ्टवर्ड, कितना ए यूनिट, और ए यहाँ क्या है, ए यहां पर है दो, तो दो यूनिट लेफ्ट को शिफ्ट करेगा। तो हम अगर ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ये जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस को कट करेगा माइनस वन एंड माइनस टू पर, सो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, पैराबोलिक है दिख रहा है, हम लोग बनाए पहले। अब ये कितना शिफ्ट करना है, दो यूनिट, तो जो माइनस वन था वो कहां जाएगा माइनस थ्री पर, और ये जो माइनस टू था वो कहां जाएगा माइनस फोर पर, सो ग्राफ दो यूनिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, और ये जो ग्राफ आपको मिलेगा दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू, एट मीन्स ये वाला, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में, और अभी कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक दो सेक्शन बाकी है उसको देखेंगे, और उसके बाद कुछ
ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पर क्वेश्चन करेंगे एंड देन फंक्शन चैप्टर को आगे हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज थ्रू आउट द कैलकुलस रहेगा, इसलिए इसको ढंग से कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। थैंक यू।